दिग्विजय सिंह ने नेहरू गांधी परिवार की आलोचना करने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने शनिवार को यूपी के काकोरी में कहा था कि हमें आजादी मिले 70 साल हो गए हैं, लेकिन देश में कोई विकास नहीं हुआ है क्योंकि 60 साल से एक ही पार्टी सत्ता में रही है। इस पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अमित शाह को जवाब दिया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है, ये कोई मोदी और अमित शाह से सीखे, वो इस कला में माहिर हैं। उन्होंने लिखा कि अगर कांग्रेस ने पिछले 60 साल में कुछ नहीं किया होता तो मोदी कैसे फिर भारत के सुपर पावर होने का दावा कर रहे हैं। दिग्विजय यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि वसूली करने वाला और हत्या के मामले में अभियुक्त व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम और देश के निर्माण पर नेहरू गांधी परिवार पर सवाल उठा रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ ट्वीट किया है। लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है, ये कोई मोदी और अमित शाह से सीखे, वो इस कला में माहिर है। अगर कांग्रेस ने पिछले 60 साल में कुछ नहीं किया होता तो मोदी कैसे फिर भारत के सुपर पावर होने का दावा कर रहे हैं। वसूली करने वाला और हत्या का अभियुक्त व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम और देश के निर्माण पर नेहरू गांधी परिवार पर कैसे सवाल कर सकता है। लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है, ये कोई मोदी और अमित शाह से सीखे, वो इस कला में माहिर है। अगर कांग्रेस ने पिछले 60 साल में कुछ नहीं किया होता तो मोदी कैसे फिर भारत के सुपर पावर होने का दावा कर रहे हैं। वसूली करने वाला और हत्या अभियुक्त व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम और देश के निर्माण पर नेहरू गांधी परिवार पर सवाल उठा रहा है।